हेलो दोस्तों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों, पहले जैसे हम कोई भी प्रमोशन हम करते हैं डिजिटली, चाहे मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, या टैबलेट के थ्रू, या इलेक्ट्रिक डिवाइस के थ्रू, हमारे डिजिटल मार्केटिंग अकाउंट होता है जैसे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, अगर हमारा कोई स्मॉल लेवल का बिजनेस है, तो अगर हम उसको रन कराते हैं, स्टार्टअप करते हैं, तो उसमें हमारे काफ़ी सारे एक्सपेंस होते हैं, जैसे ऑफिस का एक्सपेंस, हमारी टीम का एक्सपेंस, बैनर, होर्डिंग, टेम्पलेट, ठीक है, और भी हमारे कई सारे एक्सपेंस होते हैं। बट सबसे बड़ा उसमें डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें हमें रिलीवेंट रिज़ल्ट इतना नहीं मिलता है। बट वहीं हम अगर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अगर अपने बिजनेस को या सर्विसेज को अगर प्रमोट कराते हो, तो आप कम टाइम पे अच्छे लेवल पे अपने बिजनेस या सर्विसेज को ग्रो करा सकते हो। सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अगर आप मान लो, फॉर एग्जांपल, आपका गारमेंट्स का वर्क है, तो अगर कोई पर्सन अगर वो ऑनलाइन अगर सर्च कर रहा है कि बाय टी शर्ट ऑनलाइन, तो आपको टी शर्ट ही शो होगी वहाँ पे, आपको शूज़ शो नहीं होंगे। बट अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको पता है कि आपके उस बैनर को, होर्डिंग को, जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है वो लोग भी देखते हैं, बट डिजिटल मार्केट में जिसको जो रिक्वायरमेंट है उसको वही चीज़ें मिलेंगी, और आप कम टाइम पे अच्छे लेवल पे अपने बिजनेस या सर्विसेज को ग्रो करा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट में भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप कम टाइम में अच्छे लेवल पे एक अच्छी सैलरी, अच्छी हाइक और अच्छी नॉलेज के थ्रू आप एक अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं, या इवन आप फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।